कटक जिला शिक्षा संयोग तरफ सस्मिता साहू आज अधिवेशन को समस्त अष्टम श्रेणी पिला मोर स्वागत आज हमें पद परिचय सेशन 11 को जीबा एवं क्रियापदर भाग 3 देखिबा। सेशन आरंभ करने पूर्व कहि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने को भूलिबे नै एवं नुआ देखुथिले चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबे नै। विशेषकर गूगल फॉर्म रे दिया जाइतिबा प्रश्नर उत्तर करने को जमा जमती भूली न जांदे। कल्ला सेशन गुड़िक आम कौन देखिथिले पद को पांच भाग रे विभक्त करा जाइछि विशेष्य सर्वनाम विशेषण क्रिया एवं अवयव। एही क्रियापदर व्यवहारिक प्रकार भेद विषय रे विगत क्लास रे आलोचना करथिले। जदि वीडियो को मिस कर जाइछंती तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइथिबा लिंक को क्लिक करनियंतु। व्यवहारिक दृष्टि रु एही क्रियापद को चारि भाग रे विभक्त करा जाइछि समापिका असमापिका क्रिया अकर्म सकर्मक क्रिया मिश्र क्रिया एवं जौगिक क्रिया। आमे गला सेशन रे समापिका असमापिका क्रिया एवं अकर्मक सकर्मक क्रिया विषय रे आलोचना करथिले। आज आमे देखिबा मिश्र अमिश्र क्रिया कृदंत शब्द लगाई क्रिया रूपर परिवर्तन होइथाय तेणु एकाधिक पदर मिलन रे मिश्र क्रिया गठित होइथाय। आमे उदाहरण देखिले जानि परिबा। देखो पिलाटी कांदुचि पिलाटी क्रंदन करुचि गायक भजन गाइबे गायक भजन गान करिवे अतिथि खाइले अतिथि भोजन कले। एठारे प्रथम धाड़ी रे जहाँ लेखा जाइछि सबुथिरे अमिश्र क्रिया व्यवहार होइछि किंतु द्वितीय धाड़ी रे लेखा जाइथिबा वाक्य रे जेऊ क्रिया व्यवहार होइछि सेथिरे धातु सहित कृत प्रत्यय जोग होइ सेही क्रिया सृष्टि होइछि तेणु ताहाकु आमे मिश्र क्रिया कहिबा। एठी मु आउ किछि अमिश्र क्रिया एवं मिश्र क्रियार उदाहरण देइछि तुमे जदि आउ किछि जानो तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबो। चतुर्थरे आसिला जौगिक क्रिया आग आमे ए उदाहरण गुड़िक देखिबा। छात्रटी पढ़िला छात्रटी पढ़िथिला बा छात्रटी पढ़ी सारिथिला से ताकु आनिले से ताकु आनिथिले बा से ताकु टाणी आनिथिले आमे तंकु देखिले बा आमे तंकु देखि पारिले। अच्छा एबे जेऊ वाक्य गुड़िक लेखिली प्रथम रे गोटिए गोटिए वाक्य अछि जहार क्रियापद समापिका आकृतिर किंतु द्वितीय रे जेऊ वाक्य गुड़िक लेखा जाइछि से गुड़िक असमापिका आकृतिर। कौन असमापिका आकृतिर पढ़ी सारिथिले बा पढ़िथिले एहे क्रिया गुड़िक रे गोटिए गोटिए असमापिका क्रिया लागि रहिछि। तुमे देखो ना पढ़िथिला पढ़ युक्त था धातुरु पढ़िथिला होइछि खाई सारी थिला तीनोटी क्रिया अछि खा सार था तीनोटी धातुरु सम्मिश्रणरु खाई सारी थिला होइछि सेपरि टाणी आनिथिला देखि पारिले ए सबुथिरे दुई बा तहिरु अधिक धातु जोग होइ क्रियापद होइछि जेउ क्रियापद रे मुख्य ओ सहायककारी धातु भाबरे दुई बा तहिरु अधिक धातु जोग होइथाए ताहाकु जौगिक क्रिया कुआ जाय। आमे एते सबु पढिला परे किछि जानिले कि हां ओडिया रे सहायककारी धातु भाबरे अच एवं था दुईटी धातु बेसी व्यवहार होइथाए जेपरी पढ़ी अछि पढ़ुथिबो पढ़िथांता पढ़िथिला पढ़ुछु प्रायतः ओडिया रे कर आण सार पार
धातु सहायकारी क्रिया भावरे मुख्य धातु रे लागी थाए। जेपरी देखी करी आसो, सुनी पारिले, कही पारिबो, देखी पारिले, लेखी सारी छंदी, गणी सारिले, ताणी आनिले। आउ गोटिया कथा सबुबेले मने रखिथिबो, जौगिक क्रिया केबे भी छाड़ी छाड़ी लेखा जाएनी, ताहा लगा लगी लेखा जाए। जेपरी नहीं थांता पढ़ी सारी सोइला, देखी करी आसिबो खेलु थिले, सेमती तुमे आउ किछि उदाहरण भी दियो। क्रिया रो प्रथम सेशन रे मु गोटिए कथा कहिथिली, क्रिया जे पुरुष काल वचन अनुसार बदली जाय थाए, एवं आहुरी भी क्रिया किपरी भाव अनुसार बदली जाय थाए आमे आज आलोचना करिबा। ता पूर्वरु टिके उदाहरण सहित देखिने बा काल वचन ओ पुरुष अनुसार क्रिया किपरी बदली जी। मु खेलिबी, तुम्हें खेलिबो, आमे खेलिबु, सेमाने खेलिबे। देखो एठी किपरी पुरुष अनुजाई क्रिया बदली गला। आकु देखिलो मु खाइबी, मु खाइथिली, मु खाउची। एठी वर्तमान अतीत भविष्यत काल अनुसार क्रिया बदली गला। एही उदाहरण को देखो, पिलाटी पढ़ुची, पिला माने पढ़ुचंती, पिलाटी एक वचन, पिला माने बहुवचन। एठी वचन अनुसार क्रिया बदली गला। एठारे तुम बही रे दिया जाइथिबा उदाहरण गुडी करे खूब सहज रे बुझे दिया जाइछि। जहां कुहा जाए ताहा को आमे वाच्य कहिदाउ। वाच्य साधारणत क्रियार अनुगामी, तेणु आमे ताकु क्रियार वाच्य बोली कहिथाउ। एही वाच्य तीन भागरे विभक्त होइछि, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। जेउ वाक्य कर्ता प्रधान ताहाकु कर्तृवाच्य कुहा जाए, जेउ वाक्य कर्म प्रधान ताहाकु कर्मवाच्य कुहा जाए, एवं जेउ वाच्य क्रिया प्रधान ताहाकु भाववाच्य कुहा जाए। जेपरी छात्र व्याकरण पढ़ुचंती, एठी छात्र बा कर्ता प्रधान, तेणु यहा कर्तृवाच्य। सही वाक्य को मु कर्मवाच्य रे परिवर्तन कले एया हे बजे छात्र मानंक द्वारा व्याकरण पढ़ा जाउची बा पढ़ा हेउची। राम रावण को मारिले, रावण रामंक द्वारा मरा गला। तुमे माने इंग्लिश लैंग्वेज रे पढ़िथिबो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, से ही एठी अछि। मु आउ किछु उदाहरण दे तुमको आउ टिके सहज कर दउची। समस्ते विद्वानंकु आदर करंदी, एथिरे कर्ता प्रधान, तेणु एहा कर्तृवाच्य। किंतु विद्वान व्यक्ति समस्तंक द्वारा आदृत हुवंती, एथिरे कर्म प्रधान। पुणि सही वाक्य विद्वान व्यक्तिर सबुटि आदर, एइठि क्रियापद हेला प्रधान, तेणु एहा भाववाच्य क्रिया। एबे एही उदाहरण को देखिला, कालिदासंक जीवनी जानी नाहु, आंभमानंक कालिदासंक जीवनी जणा नाहि। प्रथम वाक्यटि कर्तृवाच्य होइतिला बेले द्वितीय वाक्यटि कर्मवाच्य। सेपरि आउ गोटिए उदाहरण, ईश्वर सबु जानंती, ईश्वरंकु सबु जणा। अच्छा एही दुईटि उदाहरणरु तुमे किछि लक्ष्य कल? हाँ, जेतेबेले कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया धारण करिथाए सेतेबेले सेही कर्तृवाच्यकु आमे कर्मवाच्यरे परिवर्तन करिपारिबा। किंतु जेतेबेले कर्तृवाच्य अकर्मक होइथाए सेतेबेले ताहा भाववाच्यरे परिवर्तित हुए। एही उदाहरण गुडीकु देख, काली मु डेरी रे सोइली, काली मोर डेरी रे सोइबा हेला। छात्र माने पढ़ुचंती, छात्रंक द्वारा पढ़ा हेउची। आज आमर एठी क्रियापद सरी जाइची।
ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ପଦ ପରିଚୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନେଇ। ଆମେ ସେଥିରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।